आज की वीडियो में मैं आपको ये खबर जो कि कुछ देर पहले ही आई है कि पाकिस्तान के मशहूर लेजेंडरी अदाकार और नामवर कॉमेडियन जनाब उमर शरीफ साहब का इंतकाल हो चुका है। उमर शरीफ साहब पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और पिछले दिनों उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान से अपील की थी कि डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक उनका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है, उनका इलाज के लिए उनको बैरून मुल्क ले जाया जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक एक एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया था जो कि उनको अमेरिका लेके जाने वाली थी। मशहूर अदाकारा रीमा ख़ान के जो शोहर हैं, कि जो मशहूर सर्जन हैं, हार्ट सर्जन डॉक्टर तारिक शहाब साहब, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए बग़ैर ओपन हार्ट सर्जरी के उनका इलाज करना था और वो मुसलसल पाकिस्तानी डॉक्टरों से रबते में थे और वाशिंगटन में उन्होंने उनके इलाज के तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए थे। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए बरास्ता जर्मनी अमेरिका पहुंचना था, लेकिन जर्मनी में जब उनकी फ़्लाइट लैंड की गई, उनकी वहाँ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको जर्मनी के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, वहाँ उनके डायलिसिस भी कराए गए थे, लेकिन वहीं जर्मनी में ही उनका इंतकाल हो गया है। मशहूर अदाकार उमर शरीफ, जो कि पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में अपने एक्टिंग और कॉमेडी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर थे, उन्होंने मुतअद्दिद पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों में और फिल्मों में और ड्रामों में काम किया था और मुख्तलिफ शोज़ की मेज़बानी भी करते रहे हैं। वो अपनी कॉमेडी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर समझे जाते थे। उमर शरीफ 1955 को कराची के इलाके लियाकतबाद में पैदा हुए और 1974 में उन्होंने कराची स्टेज पर अपने कैरियर का आगाज़ किया था और मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने 1974 से लेकर अब तक उन्होंने मुख्तलिफ पाकिस्तानी फिल्मों में, स्टेज ड्रामों में, मुख्तलिफ शोज़ की मेज़बानी से अपने फ़न का लोहा मनवाया था। और आज उनकी 2 अक्टूबर 2021 को उनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टीवी टाइप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।